देवहूति और कर्दम ऋषि के विवाह से ही नौ कन्याओं की उत्पत्ति हुई और नौ कन्याओं के बाद देवहूति और कर्दम के यहाँ भगवान के अंश कला अवतार श्री कपिल देव जी महाराज आते हैं, जो सांख्य शास्त्र के प्रणेता हुए। और गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि इन्हीं महाराज मनु और महारानी सतरूपा के दो पुत्र भी हुए हैं, एक का नाम है उत्तानपाद और दूसरे का नाम है प्रियव्रत। और उत्तानपाद के पुत्र हुए हैं श्री ध्रुव जी महाराज। और ध्रुव जी महाराज के विषय में श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं रामचरितमानस में, नृप उत्तान पाद सुत तासु ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। मनु के पुत्र उत्तान पाद के बेटे हुए ध्रुव, जो भगवान श्री हरि नारायण के बहुत बड़े भक्त हुए, बहुत बड़े भक्त श्री ध्रुव जी। कितने बड़े भक्त हैं, कैसी भक्ति की है श्री ध्रुव जी महाराज ने। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां हैं, पहली पत्नी का नाम है सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुनीति का मतलब है सु मतलब सुंदर, नीति मतलब ज्ञान, जो सुंदर है और जिसके पास ज्ञान भी सुंदर है। सुरुचि, सु मतलब सुंदर, रुचि मतलब इच्छाएं, जो सुंदर है लेकिन जिसकी अनेक 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 रुचियां हैं, रुचि। एक बार की बात है, महाराज उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, उसी समय महाराज उत्तानपाद के जो बेटे हैं श्री ध्रुव जी महाराज खेलते हुए आए और आकर के पिता की गोद में विराजमान हो गए, बैठ गए। दूर खड़ी सौतेली माँ सुरुचि ने देखा तो उसको पहले तो ये लगा कि शायद ये मेरा बालक है, क्योंकि सुरुचि का बालक भी ध्रुव की ही उम्र का था, उसका नाम था उत्तम। तो दूर से देखा तो लगा मेरा बालक है, लेकिन जैसे ही पास में आई तो देखती है कि ये मेरा बालक नहीं, ये तो सुनीति का बालक है। और सुरुचि उत्तानपाद के पास में पहुंचती है, ध्रुव का हाथ पकड़ा और पकड़ करके पिता की गोद से उठाया और उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया। ध्रुव जी को लगा कि शायद मेरी माँ मुझे गोद में ले रही थी, मैं माँ के हाथ से छूट करके गिर गया। इसलिए ध्रुव जी महाराज आगे बढ़े और अपने दोनों हाथ ऊपर किए, मानो ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि माँ गोद में ले लो। लेकिन उस समय उस सौतेली माँ ने ध्रुव जी के दोनों हाथ बांधे और बांध करके कहती है कि यदि तुझे राजा की गोद में बैठना है तो तू ऐसे नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी पूछ रहे हैं, माँ मैं क्यों नहीं बैठ सकता, मैं भी तो राजा का ही बेटा हूँ। सुनीत सुरुचि कहती है कि तू राजा का बेटा है पर मैं तेरी माता नहीं, तूने किसी अन्य स्त्री की कोख से जन्म लिया है। यदि तुझे राजा की गोद में बैठना है तो एक काम कर, या तो जंगल में जाके तपस्या कर, और तपस्या नहीं कर सकता तो मर जा और मर करके फिर से मेरी कोख से जन्म ले, और जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा तो तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी बन जाएगा। ध्रुव जी महाराज ने अपनी सौतेली माँ की बातें जब सुनी तो रोते हुए, क्योंकि ध्रुव जी महाराज की जो अवस्था है, स्थिति है, उम्र है, वो 5-6 वर्ष है। रोते हुए ध्रुव अपनी माँ के पास पहुंचे और अपनी माँ सुनीति को सारी कथा बता दी कि माँ सौतेली माँ ऐसी बात कर रही है, यदि सुनीति चाहती तो झगड़ा कर सकती थी कि तुम राजा के, कि यदि तुम राजा की पत्नी हो तो मैं भी राजा की पत्नी हूं, तुम्हारा बेटा यदि राजा का बेटा है तो मेरा बेटा भी राजा का बेटा है, जो अधिकार तुम्हारे बेटे को है वो अधिकार
मेरे बेटे को भी है, झगड़ा कर सकती थी पर झगड़ा नहीं किया, क्योंकि सुनीति का अर्थ ही है सु मतलब सुंदर, नीति मतलब ज्ञान, जो सुंदर है और जिसके पास सुंदर ज्ञान भी है, नीति भी है, बुद्धि भी है। सुनीति ने एक शब्द भी नहीं कहा और अपने पुत्र से सुनीति कहती है कि पुत्र तुम क्यों हाड़ मांस के पिता की गोद में बैठने के लिए तरस रहे हो? जिस पिता की गोद में बैठने के लिए तुम तड़प रहे हो वो पिता आज है पर कल नहीं रहेगा। बेटे यदि तुम्हें गोद में बैठना है तो तुम जगत पिता की गोद में बैठने का प्रयास करो। ध्यान रखिएगा, माँ चाहे तो अपने बच्चे को योगी बना दे और माँ चाहे तो अपने बच्चे को भोगी बना दे, रोगी बना दे, कामी बना दे, क्रोधी बना दे। उमा के ऊपर है कि माँ अपने बच्चे को क्या बनाना चाहती है। माता पिता दोनों कहते ना प्रथम गुरु बच्चों के माता और पिता होते हैं। आप कितना भी बच्चों को स्कूल भेज दो, कॉलेज भेज दो, गुरुकुल भेज दो, आपने घर से यदि संस्कार नहीं दिए तो बच्चों में संस्कार नहीं आएंगे। तो माँ के ऊपर है, माँ चाहे तो योगी बनाए, माँ चाहे तो भोगी बनाए, माँ चाहे तो रोगी बनाए। एक पिताजी की चार संतानें थी, चार पुत्र, उसके बाद भी पिताजी दुखी होकर के बैठे थे। एक सामने वाले पड़ोसी ने पूछ लिया कि आप तो बड़े सुखी हैं, इतना धन, इतनी संपत्ति, इतनी जमीन जायदाद, इतनी प्रॉपर्टी और चार चार पुत्र। चार पुत्र मतलब चारों वेद, चार पुत्र मतलब राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, उसके बाद भी दुखी हैं आप? पिताजी क्या कहते हैं ये मुझसे पूछो। सामने वाले ने कहा अच्छा बताओ तो आपके बेटे कहाँ हैं? पिताजी ने कहा वही तो कह रहा हूँ, मुझसे पूछो, दो जेल में हैं और दो फरारी काट रहे हैं। ऐसे हैं चार। तो कहने का मतलब है कि माँ चाहे तो योगी बना दे और माँ चाहे तो भोगी बना दे। माँ चाहे तो अपनी लोरियों में गा गा करके बच्चों को राम कृष्ण की कथा सुना के वीर बना दे, बहादुर बना दे, शिवाजी बना दे, महाराणा प्रताप बना दे, और माँ चाहे तो बच्चे को बिल्कुल सुस्त सा, आलसी सा, डरपोक सा बना दे, वो माँ के ऊपर। तो माँ सुनीति ने जब देखा कि ध्रुव रो रहा है, रो किसके लिए रहा कि पिता की गोद में बैठना है। अब माँ जानती है कि ये तो स्वाभाविक है, बच्चा छोटा है, चाहेगा पिता की गोद में बैठना। लेकिन सुनीति ने पिता की गोद में बैठने पर जोर नहीं दिया, जोर दिया है कि यदि तुझे गोद में ही बैठना है तो पिता के पीछे मत पड़, तू जगत पिता के पीछे पड़, उनकी गोद में बैठ। तो ध्रुव जी कह रहे हैं कि माँ यदि जगत पिता की गोद में बैठूंगा तो ये तो बताओ कि जगत पिता कहाँ मिलेंगे। सुनीति ने कहा वो ऐसे नहीं मिलेंगे, वो ऐसे नहीं मिलेंगे। जगत पिता कैसे मिलेंगे? कहा जगत पिता मिलेंगे तपस्या से। और ऐसा समझा करके सुनीति चली गई। अब सुनीति को यह तो पता नहीं था कि 5 वर्ष का बच्चा तपस्या करने भाग जाएगा, पर माँ की बात ध्रुव जी के हृदय को छू गई और ध्रुव जी ने ग्रह त्याग दिया और ग्रह त्याग करके ध्रुव जी महाराज ने कठोर तपस्या की है। और ध्रुव जी ने इतनी कठोर तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की कि ध्रुव जी की तपस्या से भगवान का जो आसन है, जो सिंहासन है, वो हिलने लगा। और जब भगवान का आसन हिलने लगा, भगवान ने पता किया तो नारद जी के द्वारा भगवान को जानकारी मिली कि भगवान एक 5 वर्ष का बच्चा कठोर तप कर रहा है। कहता है
या तो भगवान को पाऊंगा और यदि भगवान नहीं मिले तो मर जाऊंगा। तो नारायण मेरा तो निवेदन यही है कि आप जाइए और जल्दी से उस बच्चे को दर्शन दे आइए। उस समय जिस जंगल में बैठकर के ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे, भगवान का आगमन उस मधुवन नाम के वन में हुआ। उस मधुवन नाम के वन में भगवान पधारे हैं और श्री ध्रुव जी महाराज के सामने खड़े हुए। ध्रुव से कहा आंखें खोलो, पर ध्रुव के मन में तो भगवान का निरंतर नाम चल रहा है। बाहरी जगत से ध्रुव का जो संबंध है वो टूट गया है। तब भगवान ने ध्रुव के हृदय में विराजमान अपनी प्रतिमा को जब छीन लिया, ध्रुव जी के नेत्र खुल गए। सामने ध्रुव जी ने श्री हरि नारायण का दर्शन किया है और फिर हाथ जोड़ करके श्री ध्रुव जी महाराज भगवान की प्रार्थना करते हैं।